तो आजमगढ़ में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने निराधार बताया है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि आजमगढ़ में बीजेपी की जीत निश्चित है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दारा सिंह चौहान, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, यहीं के निवासी हैं। दारा सिंह चौहान जी, समाजवादी पार्टी का आरोप है सगड़ी विधानसभा के कई बूथों पर बीजेपी द्वारा बूथ कैप्चरिंग की जा रही, चुनाव आयोग से शिकायत की है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता से, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इस पर्व में सारे लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, जिससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। और यही कारण है कि आज पूरे जनपद में शांति इस तरीके से, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं, सारे लोग शांति से, चूंकि सारे जो पहली बार जो देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील किया कि जो पहली बार दुनिया का सबसे जवान देश हिंदुस्तान है, जहां पहली बार जो वोट देने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर घर से निकले हैं और शांति तरीके से अपने वोट मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और पूरे जनपद में कहीं भी किसी प्रकार के कोई अफवाह नहीं, ये सब न्यूसेंस क्रिएट कराने वाली बात है। पूरी तरीके से जनता मैंने निडर होकर के लोकतंत्र के मजबूती के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर घर से निकले हैं, लोग शांति तरीके से वोट दे रहे हैं। सपा के आरोपों पर आपको क्या कहना है? ये पूरी की पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि जब आदमी जब चुनाव हारता है तो इसी तरीके का प्रलाप करता है। पूरे आजमगढ़ जनपद में आप खुद घूमे होंगे कई पोलिंगों पर, मैं खुद अभी वोट देके, मेरा बहुत बड़ा गांव है, पूरी शांति तरीके से, कहीं किसी प्रकार का, इसलिए जो विरोधी दल के लोग कहते हैं पूरी तरीके से ये मिथ्या है, निराधार है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, किस तरह का बयान लोग दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, आजमगढ़ में अखिलेश और निरहुआ के बीच लड़ाई है, किस तरह के नतीजे रहने वाले हैं और क्या मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे? देखिए, पहली बार जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस आजमगढ़ में आए थे तो उन्होंने इस पूर्वांचल के लोगों का भोजपुरी भाषा में बोल करके इनका सम्मान किए थे, और पहली बार, इसलिए मैं इसके लिए बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को, कि पहली बार पूर्वांचल की बोली बोलने जाने वाली भोजपुरी भाषा के माटी का लाल, जो यही पैदा हुआ, यही भाषा बोलता भोजपुरी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके पूर्वांचल के भोजपुरी भाषा के लोगों का सम्मान किया है। अब पूरे आजमगढ़ के लोगों ने मन बना लिया है कि पहली बार हमारे माटी का, हमारी बोली बोलने वाला जो प्रत्याशी है उसको जिता करके, देश की पार्लियामेंट भेज करके, जहां देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, वही भोजपुरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का काम करेंगे। तो ये था दारा सिंह चौहान, जिन्होंने साफ तौर से समाजवादी पार्टी के आरोपों को निराधार बताया और कहा है कि ये चुनाव से पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, आजमगढ़।